Ay, 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 vaya lento, vaya lento, vaya lento. यूपी पुलिस भले ही अपनी छवि सुधारने की कोशिश कितनी ही कर ले, लेकिन आए दिन खाकी ही खाकी को शर्मसार कर रही है। ताजा मामला शहर के सिविल लाइन थाने का है। जी हाँ, मुरादाबाद की मीडिया में सोमवार देर शाम एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक युवक को कमरे में बंद करके पीटा जा रहा है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक ये वीडियो रिजवान और वसीम नामक युवक का है, जिन्हें पुलिस ने चोरी के आरोप में जेल भेजा है। परिजनों के मुताबिक इनसे जुर्म थर्ड डिग्री देकर कबूल कराया गया है। इस वीडियो के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है, जिसमें 5 पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक रिजवान और वसीम, जो कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक निवासी हैं, इनको चोरी के आरोप में जेल भेजकर सिविल लाइन पुलिस पीठ थपथपा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे का सच क्या है, ये सोमवार को जो वीडियो वायरल हुआ है वह पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में रिजवान की पिटाई करने के बाद जबरन घटनाएं कबूल कराई जा रही हैं। रिजवान को बांधने के बाद उसकी फट्टों से पिटाई की और पिटाई के साथ साथ घटनाएं भी कबूल कराई, तब भी वो इनकार कर रहा है। वीडियो के बारे में पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले को दबाने में जुट गई। उधर इंस्पेक्टर सिविल लाइन अजीत सिंह ने किसी वीडियो वायरल होने की जानकारी से इनकार किया है, जबकि घटना रामगंगा विहार चौकी प्रभारी द्वारा युवकों को चोरी के आरोप में जेल भेजा गया है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव ने वायरल वीडियो को मुरादाबाद जनपद के न होने की बात कही है और जाँच पर कार्रवाई की बात कही है। रिजवान नाम है। क्या मामला है, ये जो वीडियो वायरल हुआ है? मेरा लड़का काम पे जा रहा है, पुलिस ने उठा के उसमें से सिविल लाइन उसमें से बेची पैसा मेरे लड़के को बहुत मारा। सिविल लाइन में लाकर मेरे लोंडे पे तमंचा लगाया, मोटरसाइकिल 2 लगाई और मेरे लड़के पे क्या कहें लैपटॉप लगाए, जिससे मेरे लड़के पे कुछ नहीं निकला। हाँ, उन्होंने लगे आरोप सारे झूठे लगाए मेरे लड़के के साथ। मेरे लड़के को नंगा करके पुलिस ने मारा। अच्छा, हाँ तो आपको कैसे पता लगा कि मारा? मारा मैंने वीडियो में देखा। अच्छा, वीडियो सेफ हुई है? वीडियो हुई है। अच्छा, हाँ फेसबुक पे मेरे लड़के को डाला। मेरा लड़का क्या कर रहा, मेरा कोई कसूर नहीं है भाई साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर भी मेरे लौंडे की सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई। वहाँ मेरे लौंडे को बेखाता बेगुना मारा मेरे बच्चे को। बताओ, मैं तो इंसाफ चाहती हूँ। पुलिस ने मेरे लड़के को बहुत मारा। अब आप यहाँ किस लिए आई? मैं इसलिए आई हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ। किससे मिल रहा हूँ? मैं उनसे मिलूंगी ऐसी। रुखसाना क्या है, आपके लड़के का नाम और क्या हुआ? वसीम, मेरा लड़का इनके लड़के के साथ काम पे जा रहा था, मेरे लड़के को भी मारा, बुला लिया और मेरे लड़के पे कुछ नहीं लिखना। कुछ भी नहीं लिखना। फिर पुलिस ने क्या? पुलिस ने वही केस लगा दिए, वही रख दिए तमंचे चक्कू और वही लैपटॉप और गाड़ी। आपको कैसे पता लगा कि आपको? वीडियो पे दिखाया, वही मोबाइलों पे, तो हमें जब पता चला। अब क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं बस। जिन पे माल बरामद हुआ उनसे पैसे ले लेकर छोड़ दिया, जिन पे कुछ माल बरामद नहीं हुआ उन्हें क्या कर मारा और उन पे मुकदमे लगा दिए। हम तो बस इंसाफ चाहते हैं। जानकारी करने में पता चला है वीडियो वायरल हो रहा है, उस संबंध में उच्च अधिकारियों ने मुझे जांच दी है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसके संबंध में किस तारीख में घटना हुई है इस बारे में पता करना मुश्किल है, किस जगह हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसमें कोई भी वर्दीधारी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और देखने से यहाँ पर हमारे मुरादाबाद के जनपद के किसी पुलिस स्टेशन की घटना प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन अभी इस संबंध में कहना जल्दबाजी होगी। मैं इस संबंध में और जानकारी करके अगर कोई दोषी पुलिसकर्मी समझ में आते हैं तो भी खिलाफ कार्रवाई।